शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16, ये आपकी SST की वर्कशीट है। तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। बेटा आप लोग बोलते हैं कि मैम मुझे वर्कशीट नहीं मिल पाती है, तो बेटा मैं सारी वर्कशीट एक दिन पहले ही अपलोड कर देती हूँ, बल्कि कुछ वर्कशीट्स तो दो दिन पहले भी अपलोड की हैं मैंने। तो आप लोग प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करा करें, उसमें आपको सारी वर्कशीट आसानी से मिल जाएंगी, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको फिर आप चैनल पर क्लिक करेंगे जब, तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको प्लेलिस्ट क्लास वाइज मिल जाएगी। आप अपने क्लास के प्लेलिस्ट को खोलेंगे, जैसे ही वहाँ खोलेंगे वहाँ आपको आपकी क्लास की ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग SST की जो वर्कशीट इसे पढ़ते हैं। साइंस की वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है। यहाँ लिखा है पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की परत फैली हुई है जिसकी वजह से आज हम सब लोग जिंदा हैं। ठीक है, इसको ही क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, हम यहाँ हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है, यानी हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है, एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। यानी कि जो ये वायुमंडल है ये कैसे करके लेयर टाइप का बनाता है, हमारे ऊपर कवच बना लेता है जिसमें हमें हवा मिलती है ना, और तरह तरह की गैसेज हैं वो सब मिलती हैं। इसके अलावा सूरज की जो बुरी बुरी रेज है, कुछ सूरज की रेज बहुत अच्छी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो तो अंदर आने देता है, लेकिन जो रेज हमारे लिए बुरी हैं वो इससे टकरा के वापस चली जाती हैं, वो कभी भी अंदर नहीं आ पाती। ठीक, अब लेकिन क्या है कि हम लोग कुछ गलत गलत काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेज अंदर आ रही हैं, तभी आप देख सकते हैं पहले लोगों को स्किन से होने वाली बीमारियां नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही हैं। आजकल कितने लोग स्किन इन्फेक्शन से परेशान हैं। तो यही है कि वायुमंडल में छेद हो रहा है, वायुमंडल ख़राब हो रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो हमें दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया अभी मैंने, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, लेकिन क्योंकि वायुमंडल है ये हर चीज़ का लेवल बनाए रखती है, ताप वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। ठीक है, रहने योग्य का मतलब क्या, रहने के लायक। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वे अनेक गैसों का मिश्रण है, यानी कि जो ऑक्सीजन, या हम कहते हैं ना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम कहते हैं हम सांस ले रहे हैं, है ना। तो सांस लेने का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, उसमें ढेर सारी गैसेज हैं, जो कि यहाँ आपको चार्ट दिखाया गया है कि आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। वैसे ये चार्ट ब्लर ही है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ शायद कुछ आपको दिख जाए। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन 78% है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जबकि आपका आर्गन 0.93% है। इसके अलावा अन्य सभी गैसेस 0.04% हैं, यानी इसके अलावा भी और चुटुरपुटु छोटी मोटी गैसेस हैं जिनकी काउंटिंग में जो है सिर्फ और सिर्फ 0.04% है। तब आपको पता चल गया कि हमारे जिसे हम कहते हैं हवा, एयर, क्या बोलते हैं, एयर, वो इतनी सारी गैसेस का मिश्रण है। ठीक है, चलिए अब इसे जूम आउट करके पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, वायुमंडल की प्रमुख गैसें, तो नाइट्रोजन 78% है। यहाँ लिखा है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ाने में सहायक होती है, यानी कि पेड़ पौधे बड़े हों उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है, ये नाइट्रोजन गैसेज है। ठीक है, ऑक्सीजन 21% है, प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मात्रा पे यही गैस मिलती है, और ये किस लिए ज़रूरी है, ताकि इंसान जो है वो जीवित रह सके। तीसरे नंबर पे आपकी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो ये लिखा है इसी तरह से वायुमंडल का संतुलन भी बना रहता है। अब देखिए क्या लिखा है, वृक्षों की उपयोगिता, अब वृक्ष क्या काम करते हैं, यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, यानी अगर हम लोग पेड़ों को काटते रहेंगे तो क्या होगा, हम ऑक्सीजन लेते रहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे। ठीक, और हमारे उसमें पृथ्वी में या एटमोसफियर में या जो आपका वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी, क्यों, क्योंकि
पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो बराबर रहता है इक्वल भाई, इधर एक लिया इधर एक छोड़ा तो वही चीज़ जो हमने छोड़ी वो इसने ले ली और दोबारा इसने फिर छोड़ दी तो हमने दोबारा ले ली। तो ऐसे जो संतुलन है वो बराबर रहता है, लेकिन अगर हम पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए। आगे के लिए ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो ये सब हम लोग सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम यहाँ क्या लिखा है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस भी है, कैसे है तो पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें से क्या करती है, ग्रीन हाउस करती है, इसीलिए ग्रीन हाउस इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना संभव होता, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारी धरती जो इतनी ठंडी हो जाती कि हम लोग इस पर नहीं रह सकते थे, ठीक है, रहना असंभव हो जाता। किंतु जब कारखानों और एवं कार के धुआं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का ताप भी बढ़ता रहता है। तो अब क्या है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बराबर रखता था लेवल, लेकिन अब क्या है, अब कारखाने और इन सब के धुआं निकलने लगे तो ये लेवल बराबर नहीं होगा और बढ़ गया, ठीक है। इसे भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघल रही है, यानी कि अब क्या है, जो बर्फ़ पिघल जमी हुई है वो ठंड की वजह से जमी हुई थी, लेकिन अब जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो बर्फ़ भी पिघल रही है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे प्रदेश जो है उसकी बर्फ़ भी पिघल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर यानी समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है, यानी समुद्र में जो पानी है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब आपको पता है आए दिन आप सुनते रहते हैं कि बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, लाइक ये सब चीज़ें हैं ना। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, यानी अगर लंबे समय की बात करें कि कुछ समय में तो इंसान छोटा मोटा परिवर्तन देखता है, लेकिन असली परिवर्तन तब पता चलता है जब हम लॉन्ग टाइम को देखें, यानी लंबे समय में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु भी लुप्त हो सकते हैं, यानी इसके चलते पेड़ पौधे और कुछ पशु भी लुप्त हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। अब देखिए लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर वन प्रश्न लिखा है वायुमंडल क्या है, तो आपको सबसे पहले इसका जवाब देना है कि वायुमंडल क्या है, किसे कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर हवा के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है, यानी पृथ्वी पर जो लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है उसका क्या कारण है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब फैक्ट्री वगैरह कार वगैरह के धुआं से धुआं निकलता है जिसकी वजह से वायुमंडल का स्तर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इससे जो गर्मी है वो बढ़ रही है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संकेत के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापमान और ऑक्सीजन तीन दिए गए, यही तीन इसमें आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। पेड़ पौधे गैस छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है ग्रीन गैसेज ग्रीन हाउस को प्रभाव को पैदा करती है, तो कौन सी ऐसी जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को पैदा करती है, तो आप उसको लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन, ठीक। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ अभी पढ़ के आ चुके हैं, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहले दूसरे और तीसरे में क्या क्या आएगा, लेकिन अब मैं इसको एक लाइन से आपको समझा देती हूँ, एक लाइन से आंसर देख लेते हैं इसका भी। देखिए अब आप इसको लिख सकते हैं, पेड़ और पौधे ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है, छोड़ते हैं, उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, गैसेस ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा भूमंडलीय ताप कहा जाता है। तो इस तरह से आपके फिलअप भी हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन लिखा है, मिलान कीजिए वायुमंडल में गैस की मात्रा, यानी वायुमंडल में कौन सी गैस कितने मात्रा में है, आज आपको यही मिलान करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं आंसर फटाफट, इसी में ही कर लेंगे मिलान। तो अब आपका लिखा है सबसे पहले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए 78%। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है आपका 21%, ठीक। उसके बाद क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%। देन आपका अगला क्या है ऑर्गन, ऑर्गन कौन कितने परसेंट है 0.93%।
और अन्य गैसेस कितनी है आपकी, अन्य गैसेस है 0.04%। तो इस तरह से आप ये पांचों को मिला लेंगे, ठीक है। तो अब आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।